स्वराज ट्रैक्टर्स की इंक्वायरी के लिए धन्यवाद। मैं हूं स्वराज का सेल्स अधिकारी। आइए मैं आज आपको स्वराज के 960 FE ट्रैक्टर के बारे में बताता हूं। स्वराज 960 FE 55 से 60 श्रेणी का ट्रैक्टर है। पावर मैक्स 60 इंजन से लेस है, जो 2000 रेटेड RPM पर 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। पावर मैक्स 60 इंजन में EGR टेक्नोलॉजी के साथ दिया गया है। इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप इंजन को ठंडा रखने के लिए इसमें बड़ा रेडिएटर लगाया गया है। स्वराज 960 FE में बहुत सारे फीचर्स लगाए गए हैं, जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्यूअल क्लच, साइड शिफ्ट गियर लीवर, सेंसी लिफ्ट, हाइड्रोलिक्स, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, इजी हिच। स्वराज 960 FE ट्रैक्टर भारी कामों जैसे रिवर्सिबल MB प्लॉ, ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर, रोटावेटर, जेनसेट, कंप्रेसर के लिए उपयुक्त है। चलिए अब स्वराज के इंजन के बारे में जानते हैं। स्वराज 960 FE में लगा हुआ है स्वराज का भरोसेमंद पावर मैक्स 60 इंजन। ये एक शक्तिशाली किफायती इंजन है, जो देता है अपनी श्रेणी में सबसे अधिक टॉर्क, पूरे 220 न्यूटन मीटर। इससे कठिन परिस्थितियों में काम करना आसान हो जाता है। यही नहीं, स्वराज लेकर आया है अपनी श्रेणी के दूसरे ट्रैक्टरों से 15% बड़ा रेडिएटर। इसके बड़े आकार की वजह से ये इंजन को ज्यादा ठंडा रखता है, जिससे इंजन लंबे समय तक बिना रुके काम कर सकता है। इंजन के बाद अब हम जानकारी लेते हैं क्लच के बारे में। स्वराज इंजन में दिया गया है पूरे 12 इंच का बड़ा डुअल ऑर्गेनिक क्लच। इस क्लच का साइज इस श्रेणी के दूसरे ट्रैक्टरों से 20% ज्यादा बड़ा है। बड़े क्लच से क्लच की लाइफ ज्यादा और मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है। अब मैं आपको स्वराज के कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के बारे में बताता हूँ। इसमें 8 फ्रंट और 2 रिवर्स गियर उपलब्ध हैं। कांस्टेंट मैश की टेक्नोलॉजी से हम ट्रैक्टर को बिना रोके गियर आसानी से बदल सकते हैं। इससे ट्रैक्टर चलाने में आराम रहता है। किसी भी वाहन में मजबूत ब्रेक्स का होना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं स्वराज 960 FE की ब्रेक्स की मजबूती के बारे में। मजबूत ब्रेकिंग के लिए स्वराज 960 FE में दी हुई है 8 फ्रिक्शन डिस्क प्लेट्स, 4-4 दोनों तरफ, जो हर तरह की परिस्थिति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में सक्षम है, यानी किसानों की पूरी सुरक्षा। सिर्फ ये ही नहीं, स्वराज 960 FE में 4 फॉरवर्ड मल्टी स्पीड PTO के चक्र और रिवर्स PTO मिलते हैं। मल्टी स्पीड फीचर से कम इंजन RPM पर PTO पर हाई RPM मिलते हैं, जिससे डीजल में कम खपत होती है और आपको ज्यादा मुनाफा होता है। रिवर्स PTO इंप्लीमेंट्स में फंसी घास और फसल के कचरे को साफ करने के लिए उपयुक्त है। स्वराज 960 FE में 2000 किलोग्राम की वजनदार लिफ्ट कैपेसिटी है, जिससे भारी ट्रॉली और इंप्लीमेंट्स को उठाना और भी आसान हो गया है। स्वराज 960 FE में आधुनिक सेंसी लिफ्ट लगाई गई है। सेंसी लिफ्ट के कारण खेत में इंप्लीमेंट्स चलाते वक्त झटके नहीं आते। इससे इंप्लीमेंट्स से बीज बोते वक्त सामान्य गहराई मिलती है और फसल की ज्यादा पैदावार होती है। काम आसान करने के लिए स्वराज 960 FE हमें देता है DCV, जिसकी वजह से एक्सटर्नल हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट्स जैसे MB प्लॉ, डोजर का संचालन और भी आसान हो गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि स्वराज 960 FE में पावर स्टेयरिंग के लिए अलग ऑयल टैंक है और ये गियर बॉक्स का तेल इस्तेमाल नहीं करता। इसका फायदा है कि ये लंबे समय तक बिना किसी अड़चन के क्षमता और कुशलता से काम करता है। 960 FE का पावर स्टेयरिंग इतना सक्षम है कि हर छोटी से छोटी जगह में इसको मोड़ सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो देखकर पर्याप्त जानकारी मिली होगी। और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे स्वराज सेल्स अधिकारी से संपर्क करें। धन्यवाद। मेरा स्वराज